प्रशिक्षु आईएएस ने दिलवाए कोविड 19 टीका। गौनाहा प्रखंड कलाकारी परियोजना प्लस टू विद्यालय जमुनिया में किशोरों को कोविड 19 से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया गया। मौके पर उपस्थित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के साथ चिकित्सा प्रभारी, हेल्थ मैनेजर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता व स्कूल के सभी शिक्षकों ने कोविड टीकाकरण का उद्घाटन रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु आईएएस राजेश कुमार मोहन ने अमीषा कुमारी को पहला डोज देकर सभी छात्र छात्राओं को कोविड का टीका लेने के लिए जागरूक किए। उन्होंने उपस्थित अभिभावक व किशोरों को कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीका ही एक सशक्त माध्यम है। ओमिक्रॉन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वायरस डैमेज कम करता है लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा इफेक्टिव है जिसे सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर से लॉकडाउन की मार झेलना पड़ेगा। सबसे कारगर हथियार तो वैक्सीन ही है। पहले 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोगों को कोविड का टीका दिया गया, अब किशोर किशोरियों को टीका दिया जा रहा है। सभी को इस टीकाकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशि कुमार व प्रभारी हेल्थ मैनेजर ओम प्रकाश ने बताया कि सोमवार को 400 किशोरावस्था के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था। टीका देने के बाद आधा घंटा तक बच्चों को केंद्र पर रखा जा रहा था ताकि किसी तरह की परेशानियां होने पर उसका समुचित निदान किया जा सके। मौके पर एनएम रत्ना कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, वेरीफायर राजू शर्मा एवं ओम प्रकाश, हेल्थ मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह, टीका लेने वालों में अमीषा कुमारी, पूजा कुमारी, गुडी कुमारी, बिंदा कुमारी, गंगोत्री कुमारी, कुमार गौरव, आदित्य पंजार आदि शामिल थे।